अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को आना है। इसे लेकर डीआईजी देवी पाटन, अमरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी विनीत जायसवाल ने सीमा का दौरा कर क्षेत्र का भ्रमण किया। पुलिस अधिकारियों ने नए किराएदार, कर्मचारी, यातायात व्यवस्था पर जरूरी निर्देश दिए। पुलिस जवानों को संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखने को भी कहा गया। अयोध्या में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पुलिस सतर्क रही। वहीं डीआईजी ने प्रधानमंत्री के आगमन पर यातायात व्यवस्था प्लान की जानकारी भी ली। अयोध्या से सटे सीमा पर बसे गांव की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। संदिग्धों को ठिकाना देने वालों के साथ ही आसपास होटल, ढाबे व दुकानों की सघन जांच भी की जाएगी। रूट डायवर्जन के साथ अयोध्या आने व जाने वालों वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। इस मौके पर चिन्हित स्थानों पर पीएससी लगाने का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान सीओ तरबगंज सौरभ वर्मा, कोतवाल मनोज राय, यातायात निरीक्षक पीआरओ व चौकी प्रभारी रहे। रिपोर्ट हरिनारायण शुक्ल, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, गोंडा। देखिए, आगामी 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री का आगमन का कार्यक्रम है जनपद अयोध्या में, और जनपद अयोध्या से ही जनपद गोंडा की सीमा जो है लगी हुई है। इसके दृष्टिगत लगभग सभी तैयारियां गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं, और सभी उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार जो हमारा ये सीमा है वहाँ पर भ्रमणशील रहते हुए सभी जो वहाँ के स्थानीय हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनको सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रूट डाइवर्जन की व्यवस्था उस दिन रहेगी जो 29 दिसंबर की रात्रि 1 बजे से ही लागू हो जाएगी। जितने भी हमारे भारी वाहन और छोटे वाहन हैं किसी को भी जो नया पुल और पुराना पुल सरयू का है उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। उनके लिए जितने भी रूट डाइवर्जन्स हैं वो ऑलरेडी रूट डाइवर्जन प्लान बनाकर उसको सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि लोगों को उस दिन असुविधा ना हो। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे बॉर्डर के तटीय गाँव हैं और आसपास के एरियाज हैं वहाँ पर ड्रोन से लगातार नियमित तौर पर निगरानी रखी जा रही है, और भ्रमण के दिन भी उसमें निगरानी रखी जाएगी। हमारी जो LIU है उसको भी सक्रिय किया गया है। होटल ढाबों के चेकिंग का अभियान विगत 2 दिनों से चल रहा है जो कार्यक्रम तक इसी तरह यथावत जारी रहेगा, और जितने भी हमारे होटल और ढाबे के ये संचालक हैं उनसे सभी से ये निर्देश दिए गए हैं। मेरी ओर से भी उनसे ये अपील की जा रही है यदि कोई भी व्यक्ति बाहरी उनके यहाँ रुकता है तो स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना अवश्य दें और हर हाल में उसका ID अपने पास ज़रूर रखें। इसी प्रकार जो आसपास के गांव हैं सीमाओं के उनमें भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, लोगों से संपर्क किया जा रहा है ताकि कोई नया व्यक्ति अगर वहां आता है उसकी जानकारी हमें हो पाए। बाकी जितनी भी हमारी पुलिस और PAC की ड्यूटियां हैं वो लगा दी गई हैं वहां पे, और पूर्ण रूप से सकुशल तरीके से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा।